बिहार की राजनीति में एक बार फिर से फ्लाइट यानी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर पर बवाल। सुशील मोदी का ट्वीट और राजीव रंजन का रिएक्शन यानी ललन सिंह का रिएक्शन। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने प्लानिंग कर लिया है तेजस्वी के बर्थडे में क्या कुछ गिफ्ट देना है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए एक अनोखा गिफ्ट रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कलकत्ता जाने से पहले साफ कर दिया बिहार के लिए अगर विमान या हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा तो वो अपना होता है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि विमान खरीदना वो जब भाजपा के साथ है तभी से प्लानिंग शुरू थी, उसकी प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन सरकार में नहीं रहने से और जब महागठबंधन में मैं आया हूँ तो इसका पलटवार कर रहे, जब साथ थे तब विमान पर और हेलीकॉप्टर पर। सुशील मोदी कुछ भी नहीं बोल रहे थे और आज ट्वीट कर क्या जताना चाहते हैं उस पर राजीव रंजन ने सवाल जवाब खड़े किए और कहें कि मोदी सरकार करोड़ों खर्च करते हैं विमान पर, कई देशों का भ्रमण करते, उसमें कितनी खर्च होती है सुशील मोदी जी जरा ये बता दें। उस बात पर चुप्पी साधते हुए सुशील मोदी खामोश रहे और जिस तरीके से सीएम नीतीश ने हेलीकॉप्टर मामले पर पूर्ण विराम लगाया है और सियासी खेल में जिस तरीके से विपक्ष यानी भाजपाइयाँ जोड़े हुए थे कि विमान आखिर खरीदना, बिहार एक तरफ दलदल में जा रही है और बिना मतलब के पैसे को खर्च किया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी तक ने इसका करारा जवाब दिया और कहा कि बिहार के पास अपना एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है, भाड़ा पे लिया जाता है, जिसको लेकर यह कवायद शुरू की गई थी उस समय जब सीएम नीतीश बीजेपी के साथ थे, उसी समय यह खरीदने की प्लानिंग चल रही थी, इसका सारा डाटा और टेक्नीशियन से भी बात की गई थी, उसके बावजूद अब सरकार में नहीं है यानी महागठबंधन के साथ सीएम नीतीश कुमार हैं तो सुशील मोदी ट्विटर बार कर रहे हैं। उसका जवाब साफ साफ ललन सिंह ने उन्हीं के ट्विटर अकाउंट पर दिया कि आप कर हेलीकॉप्टर और विमान खरीदने की बात बिहार में, तो एक अपना विमान बिहार में होता है तो एक अलग ही बात होती है, नरेंद्र मोदी पीएम जो बन के बैठे हुए हैं दिल्ली में वो उन पे कितना खर्च होता है ये भी जरा बता दे। सुशील मोदी करे सवाल और जवाब विमान पे जो राजनीति छिड़ी थी, अब कहीं ना कहीं सीएम नीतीश तेजस्वी और जिस तरीके से पार्टी के ललन सिंह ने जवाब दिया कहीं ना कहीं यह घमासान अब थमने को नाम नहीं ले रहा और लगातार विमान पर खर्च पर साफ बिहार को और इस राजनीति को टारगेट किया जा रहा है।